मंदसौर में झमाझम बारिश होने के बाद पशुपतिनाथ मंदिर के सामने क्षेत्रवासियों ने खिलाए गधों को गुलाब जामुन। बारिश नहीं होने से हर वर्ग का व्यक्ति काफी चिंतित हो रहा था और कई तरह के जतन रूठे इंद्र भगवान को मनाने के लिए किए जा रहे थे, जिसमें अच्छी बारिश की कामना को लेकर उज्जैनी मनाई गई थी, जिसमें सभी क्षेत्र के लोगों ने घर के बाहर दाल बाटी बनाकर रूठे इंद्र भगवान को दाल बाटी का भोग लगाया था और उसके बाद सीसामऊ फाटक मुक्ति धाम पर चंद्रपुरा के क्षेत्रवासियों ने गधों के माध्यम से हकाई की गई थी, जिसमें नमक और उड़द की दाल का उपयोग किया गया था और उसके बाद कांग्रेस प्रतिनिधि शैलेंद्र गिरी गोस्वामी एवं क्षेत्रवासी सोहन सिंह भदौरिया को गधे पर बिठाकर शमशान परिसर में घुमाया था और कहा था कि अच्छी बारिश होगी तो हम लोगों द्वारा गधों को गुलाब जामुन खिलाए जाएंगे। और मंदसौर में कल झमाझम बारिश होने के कारण 1.5 इंच बारिश हुई है, जिसको लेकर सभी में उत्साह का माहौल बना हुआ है। आज पशुपतिनाथ मंदिर के सामने क्षेत्र के लोगों ने एकत्रित होकर दो गधों को पहले तो फूलों की माला पहनाकर उसके बाद गधों को गुलाब जामुन खिलाए गए। बताया गया कि बारिश नहीं होने को लेकर क्षेत्रवासी 25 सालों से इस तरह की क्रिया करते हैं और आज अच्छी बारिश कामना को लेकर सर्व समाज द्वारा भी आज नगर बंद करने का आह्वान किया था, जिसमें सभी व्यापारियों ने अपना समर्थन देते हुए अपना व्यापार व्यवसाय बंद रखकर सभी लोग घरों के बाहर दाल बाटी बनाकर रूठे इंद्र भगवान को मनाने का कार्य कर रहे हैं। और शहर भर में आज प्रार्थना रैली निकाली गई, जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्म के लोग शामिल थे। जय महादेव। आज सर्व समाज द्वारा एक उज्जैनी का आयोजन किया जा रहा है, जो अभी यहाँ से होकर पशुपतिनाथ मंदिर तक भगवान की पूजा अर्चना करेगी और इंद्रदेव से प्रार्थना करेगी कि आप हमारे मंदसौर में पर्याप्त वर्षा का कर दें। जय महादेव। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विपिन चौहान और आज हम लोग मौजूद हैं मंदसौर पशुपतिनाथ मंदिर के सामने और यहां मंदसौर में बारिश नहीं हो रही थी, जिसको लेकर वार्ड क्रमांक 26 चंद्रपुरा के क्षेत्रवासियों ने अच्छी बारिश की कामना को लेकर सीतामऊ फाटक मुक्तिधाम पर बोनी भी की थी, जिसके बाद गधे पर यहाँ पर कांग्रेस के पार्षद प्रतिनिधि और यहाँ क्षेत्र के व्यक्ति गधे पर बिठाया गया था और इन लोगों ने कहा था कि अच्छी बारिश होगी जिसके बाद गधों को गुलाब जामुन खिलाए जाएंगे। जो नज़ारा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गधों को गुलाब जामुन खिलाए जा रहे हैं। यहाँ पर इनका कहना था कि अच्छी बारिश होगी जिसके बाद हम लोग क्षेत्र के लोग सभी लोग गधे को गुलाब जामुन खिलाएंगे। किस तरह से ये नज़ारा है और क्या कहना आपका जो गुलाब जामुन खिलाए जा रहे हैं, इस बारे में आपका क्या कहना है? अभी 7 दिन पहले तंत्र किया था हमारे सोहन सिंह जी भदौरिया अध्यक्ष हैं, लगभग ये तंत्र करते आ रहे हैं। जब भी पानी नहीं गिरता है तो ये तंत्र करते हैं और वो तंत्र लगभग मतलब 100% वो पास हो जाता है। और 7 दिन का समय था, 7 दिन के अंदर 18 तारीख को बुआई की थी और कल पानी आ गया और पानी भी आप सबने देखा ही है, बहुत अच्छा पानी आया, बहुत अच्छी वर्षा हुई। पानी की हर व्यक्ति हर जीव को ज़रूरत है और भगवान से प्रार्थना की और भगवान ने इनसे बुआई की थी गधों से उस दिन वहाँ पर 18 तारीख के दिन, तो पानी आ गया। उस खुशी में इन गधों को गुलाब जामुन खिलाया जा रहा है। क्या गधों को गुलाब जामुन खिलाया जा रहा है, किस बात को लेकर खिलाया जा रहा है, क्या मानते हैं इसको आप? ये गधे से बुआई की थी शमशान के अंदर, क्या उसमें नमक उड़द ये बोए जाते हैं और वो पुरानी परंपरा से चला रहा है, उसी ढंग से तो गधों को गुलाब जामुन खिलाएगा। क्या नाम आपका? भरत सिंह। ये थे यहाँ पर भरत सिंह जी, उनका कहना है कि अच्छी बारिश होने के बाद हम लोगों ने गुलाब जामुन खिलाया है। क्या कहना है इस बारे में आपका, जो आप लोगों ने आज गुलाब जामुन खिलाए गधों को, इस बारे में? ये कार्यक्रम कम से कम 25 साल से आने हैं और हम नमक उड़द मिला के कार्यक्रम करते हैं और पानी अवश्य 7 दिन के अंदर पानी भरपूर आता है, ये मैं 25 साल से करता आ रहा हूँ। ये थे हमारे साथ में सोहन सिंह जी भदौरिया, जिनका कहना है कि हम लोग कई सालों से यहाँ पर अच्छी बारिश की कामना को लेकर कई तरह की क्रियाएं करते हैं और अच्छी बारिश होने के बाद गधों को गुलाब जामुन खिलाते हैं। और मंदसौर में कल झमाझम बारिश होने के कारण 1.5 इंच बारिश हुई, जिसके बाद सभी लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट नजर आ रही है, उसी के बाद यहाँ पर गधों को गुलाब जामुन खिलाने का एक कार्यक्रम किया गया है। मंदसौर की माटी के लिए विपिन चौहान, मंदसौर।